हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी डॉन 3 के बारे में। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, डॉन 3 मूवी ये आनी कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ साथ में दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, शाहरुख खान की मूवी डॉन 1 और डॉन 2 जिस तरीके से ब्लॉकबस्टर हिट रही थी, उसी तरीके से उस टाइम से शाहरुख खान के फैंस सिर्फ ये वेट कर रहे थे कि डॉन 3 मूवी कब आने वाली है, आएगी कि नहीं आएगी। तो ये बात आज कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं फरहान अख्तर, वही इस मूवी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, और इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं रितेश सिंधवानी, उन्होंने ये बात कंफर्म की है। उन्होंने ये बताया है कि डॉन 3 की स्क्रिप्ट पर फरहान अख्तर काम कर रहे हैं, और जैसी उनकी स्क्रिप्ट खत्म होती है तो हम इस मूवी को बनाना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें ये फाइनल हो चुका है कि स्क्रिप्ट इससे पहले शाहरुख खान को दी गई थी तो उन्होंने इस चेंज करने के लिए बोला था, तो इसके बाद देखते हैं शाहरुख खान इस मूवी की स्क्रिप्ट को किस तरीके से फाइनलाइज करते हैं। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि फरहान अख्तर और रितेश दोनों एक साथ एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है एक्सल एंटरटेनमेंट, जिस कंपनी ने अमिताभ बच्चन की 1978 में आई डॉन के कॉपीराइट खरीदे हुए थे, उसी की रीमेक उन्होंने डॉन 1 बनाया था जो कि 2006 में आई थी, और उसी के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने डॉन 2 बनाया था जो कि 2011 में आई थी। 2011 से लेकर अभी तक इसका नेक्स्ट सीक्वेंस नहीं आ पाया क्योंकि शाहरुख खान के पास इसके लिए टाइम नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आज का जमाना मास सिनेमा का चल रहा है, भरपूर एक्शन और VFX का जमाना चल रहा है, तो उसके तर्ज पर यह माना जा रहा है कि डॉन 3 आने की 100% कंफर्मेशन हो चुकी है, और इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर यानी कि रितेश और फरहान अख्तर दोनों ने फाइनलाइज कर दिया है। तो दोस्तों ये शाहरुख खान के फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। इंतजार करना पड़ेगा ये मूवी कब फ्लोर पर जाती है और कब ये रिलीज होती है। सुनने में आ रहा है कि मूवी हो सकता है 2024 के लास्ट तक या 2025 तक रिलीज हो सकती है, डिपेंड करता है इसमें शाहरुख खान की अवेलेबिलिटी कितनी रहती है उसके बेसिस पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज वीडियो में कमेंट करके बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय भारत।